नमस्कार भाइयों बहनों, मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप के दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नमन फ्यूचर टर्निंग पॉइंट पर। भाइयों बहनों, आज का जो मेरा टॉपिक होगा पद्म काल सर्पयोग। ये काल सर्पयोग की कड़ी में पांचवें नंबर पर आने वाला काल सर्पयोग है। इस काल सर्पयोग का निर्माण तब होता है जब राहु आपका पंचम में बैठ जाए और केतु आपका एकादश में बैठ जाए। जब राहु आपका पंचम में बैठ जाता है और केतु एकादश में बैठ जाता है, इसलिए इन्हीं के घेरे के अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं, तब इस पद्म काल सर्पयोग का निर्माण होता है। इस पद्म काल सर्पयोग में जातक को संतान के साथ में अनबन, सामाजिक मान हानि और प्लस सामाजिक मान हानि के साथ में जातकों के अंदर बुरी लत, जैसे जुए वगैरह खेलना या शराब वगैरह या मद्यपान वगैरह का सेवन करना या गलत लोगों की संगति में उठना बैठना, ऐसे अवगुण इन जातकों के अंदर पाए जाते हैं। तो भाइयों बहनों, जिन जातकों की जन्म कुंडली में ये पद्म नामक काल सर्पयोग बनता है, तो इस काल सर्पयोग का समय रहते ही शीघ्र इसकी शांति इनको करवा लेनी चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।